सूखा पेड़ काफी मजबूत था, इसलिए रानो चिड़िया ने लंबे समय से उस पर अपना घोंसला बनाया हुआ था। चिड़िया के पड़ोस में कुछ दिन पहले ही दो कौवे आकर आबाद हुए थे, जो किसी न किसी तरह चिड़िया को वहां से भगाना चाहते थे। कालू जी, अगर हम चिड़िया का पेड़ काट दें तो चिड़िया रोती हुई यहां से चली जाएगी। है, मेरे मामा जी के पास कुल्हाड़ा भी है, मैं आज ही मामा जी से कुल्हाड़ा लेकर आता हूँ और काट देता हूँ उस चिड़िया का पेड़। चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है और दाना लेने चली जाती है। कालू कौवा भी कुल्हाड़ा लेने अपने मामा जी के पास पहुंच जाता है। मामा जी, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना कुल्हाड़ा तो दे दें, आज मैं उस चिड़िया का पेड़ काट दूंगा। काट दो पेड़ और गिरा दो उस चिड़िया का घोंसला, वो चिड़िया तो हर समय चू चू ही करती रहती है। मामा जी, गोरी भी बहुत तंग है उस चिड़िया की आवाज से। कालू कौवा कुल्हाड़ा लेकर चला जाता है। वो अभी दाना लेने गई हुई है, शाम को ही लौटेगी। कालू, तुम जल्दी जल्दी से उस चिड़िया के आने से पहले पहले उसका पेड़ काट दो और घोंसला गिरा दो। कालू कौवा चिड़िया के पेड़ पर कुल्हाड़ा चलाता है और गोरी कौवी ऊंचे पेड़ पर बैठकर चिड़िया पर नजर रखती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का पेड़ गिर जाता है और साथ ही चिड़िया का घोंसला भी गिरकर टूट जाता है। अब तो वो चिड़िया यहाँ से भाग ही जाएगी। जब चिड़िया शाम को अपना दाना लेकर आती है तो अपना पेड़ कटा हुआ देखकर हैरान हो जाती है। ये किसने मेरा पेड़ काट दिया? कोई इंसान लगकर हरा आया होगा, ये काम इंसान का ही लग रहा है। कौवे और कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। बहुत रोका चिड़िया, मैंने इंसान लकड़हारे को बहुत रोका, मगर उसने तुम्हारा पेड़ काट दिया। कौवे, अगर इंसान लकड़हारे ने मेरा पेड़ काटा है तो वो पेड़ को यहाँ क्यों छोड़ गया? पेड़ काटने के बाद उसे ये पेड़ पसंद नहीं आया होगा। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ और पश्चिम वाली दिशा में जाकर अपना नया घोंसला बना लो। नहीं नहीं कौवे बहन, मैं यहाँ लंबे समय से रह रही हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, मैं तो यहाँ ही रहूँगी। चिड़िया ऐसे कहते हुए वहाँ से उड़ जाती है। कालू जी, अब ये चिड़िया क्या करने वाली है? सुना है चिड़िया बहुत सियानी होती है, देखो अब ये क्या करती है। रानो चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, किसी ने मेरा पेड़ काट दिया है, आप मुझे अपनी बैलगाड़ी दें, मैं वो पेड़ लाकर लकड़हारे से कहती हूँ कि मुझे वो पेड़ अपने आरे पर चीर दे। चिड़िया, उस पेड़ से तुम क्या बनवाना चाहती हो? माँ जी, मैं अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बनाऊंगी जो कभी ना टूटे। मेरा पुराना घोंसला तिनकों का था जिसमें हर समय मैं डरती रहती थी। ठीक है, आप जाइए, मैं किसान को भेजती हूँ, वो जाएगा और आपका पेड़ उठा लाएगा। फिर चिड़िया चली जाती है और किसान की पत्नी किसान को चिड़िया का पेड़ उठाने भेज देती है। किसान चिड़िया का पेड़ बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाता है। चिड़िया भी किसान की बैलगाड़ी पर बैठ जाती है। ये चिड़िया जरूर इस पेड़ से कुछ बनवाएगी। हमने तो सोचा था कि चिड़िया यहाँ से भाग जाएगी, मगर मुझे तो लगता है चिड़िया कोई नया ही काम करने वाली है। लकड़हारा इंसान चिड़िया के पेड़ को चीर देता है। चिड़िया चिड़िया, ये लकड़ी ज्यादा है, तुम्हारा घर बनाकर जो लकड़ी बचेगी मैं उससे तुम्हारे लिए एक सुंदर सी नाव बना देता हूँ। लकड़हारे इंसान जी, फिर तो मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, मैं नाव में बैठकर नदी से मछलियाँ पकड़ लिया करूँगी, आप ऐसा ही करें। शाम के बाद चिड़िया अपनी नाव और पक्का लकड़ियों का घर लेकर वापस पहुँच जाती है। किसान जी, यहाँ रख दें, इसी जगह पर मेरा पेड़ था। चिड़िया अपना घर कटे हुए पेड़ के ऊपर रखवा लेती है। अब ठीक है। किसान अपनी बैलगाड़ी लाद कर वापिस चला जाता है। कालू, कालू जी, वो देखो क्या हुआ, चिड़िया ने तो पक्का लकड़ियों का घर बना लिया है, वो तो पहले से भी ज्यादा सुरक्षित हो गई है, और वो देखो उसके पास नाव भी है। कालू, जो भी हो जाए
ये चिड़िया हमसे जीत नहीं सकती, इसे तो मैं यहाँ से भगा कर ही दम लूंगी। चिड़िया अपने घर में मीठी नींद सो जाती है। और फिर दूसरे दिन चिड़िया अपनी नाव में बैठकर नदी से मछलियाँ पकड़ती है। अब मैं ये मछलियाँ जंगल के बाजार में बेच दूंगी और मुझे अच्छा मुनाफा होगा। फिर चिड़िया वो मछलियाँ जंगल के बाजार में ले जाती है। चिड़िया की मछलियाँ थोड़ी ही देर में बिक जाती हैं। कालू, हम चिड़िया को किसी ना किसी तरह मगरमच्छ वाले टापू पर भेज देते हैं। जब चिड़िया मछलियाँ पकड़ने वहाँ जाएगी तो मगरमच्छ चिड़िया को खा जाएंगे और हमारी चिड़िया से जान छूट जाएगी। मैं अभी जाकर चिड़िया को मगरमच्छ वाले टापू पर भेज देता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, अपनी नाव यहाँ लाओ किनारे पर। चिड़िया किनारे पर आ जाती है। तुम सुबह से बैठी हुई हो और अभी तक केवल दो ही मछलियाँ पकड़ी हैं। तुम ऐसा करो, पूर्व वाले टापू पर चली जाओ। वहाँ इतनी मछलियाँ हैं कि तुम्हारी नाव ही भर जाएगी मछलियों से। अगर ऐसा है तो मैं अभी पूर्व वाले टापू पर चली जाती हूँ। चिड़िया अपनी नाव घुमाती है और पूर्व वाले टापू की तरफ चली जाती है। वहाँ तो कोई मछली नहीं थी। चिड़िया काफ़ी देर इंतज़ार करती है और फिर उसे पानी में अपनी तरफ एक मगरमच्छ आता दिखाई देता है। चिड़िया जल्दी से नाव टापू के साथ लगाकर टापू पर चली जाती है। बच गई, मैं बच गई। अगर थोड़ी देर हो जाती तो वो मगरमच्छ मुझे खाने ही वाला था। चिड़िया उस टापू पर थोड़ा और आगे जाती है और उसकी नज़र एक आम के पेड़ पर जाती है जिस पर सोने के आम लगे हुए थे। सोने के आम? ये तो कोई जादुई टापू है जिस पर सोने के आम हैं। मैं यहाँ से कुछ सोने के आम ले जाती हूँ और फिर सारी ज़िंदगी मुझे मछलियाँ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिड़िया कुछ सोने के आम तोड़ती है और अपनी नाव में रख लेती है और मगरमच्छ के वहाँ से जाने का इंतज़ार करती है। जब मगरमच्छ दूसरी दिशा में जाता है तो चिड़िया जल्दी से अपनी नाव में बैठकर नाव को भगाती है। थोड़ी ही देर में चिड़िया अपने जंगल पहुँच जाती है। कालू, वो देखो, चिड़िया तो वापस आ गई है। उसे तो मगरमच्छ ने भी नहीं खाया। वो बच गई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कालू और गोरी चिड़िया के पास जाते हैं। कालू कवे और कवी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उस टापू पर भेजने के लिए। कौवा और कवी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, वहाँ मगरमच्छ भी थे? हाँ, मैं मगरमच्छ से बच गई, मगर देखो मुझे वहाँ से ये सोने के आम मिले हैं। आज के बाद मैं कभी मछलियाँ पकड़ने नहीं जाऊँगी। चिड़िया सोने के आम लेकर अपने घर चली जाती है। कौवा और कवी तो और भी परेशान हो जाते हैं। कालू, हम जितना भी बुरा चाहें इस चिड़िया का अच्छा ही होता है। हाँ गोरी, इसलिए मैंने सोचा है कि आज के बाद हम चिड़िया से दोस्ती कर लेंगे और उसका बुरा नहीं चाहेंगे। फिर कौवा और कवी निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। घायल चिड़िया जमीन पर गिरी पड़ी थी। वो मदद की गुहार लगा रही थी। कोई मेरी मदद करे, मेरे पाँव पर जख्म हो गया है, खून बह रहा है। कोई मेरे पाँव पर पट्टी बांध दे, दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। एक नेक दिल इंसान जो किसान था अपनी बैलगाड़ी लेकर खेतों से वापस आ रहा था। अरे अरे, ऐसी तेज बारिश में ये चिड़िया बेचारी कैसे बेआसरा गिरी पड़ी है। मुझे इस चिड़िया की मदद करनी चाहिए। किसान चिड़िया के पास जाता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चिड़िया, कहाँ है आपका घर? मेरा कोई बड़ा सा घर तो नहीं है, मगर एक छोटा सा तिनकों का घोंसला है नदी के पास जंगल में। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घोंसले तक पहुँचा दूँ तो तुम बदले में मुझे क्या दोगी? ये सुनकर चिड़िया निराश हो जाती है और कहती है, मैं गरीब कमजोर छोटी चिड़िया, भला
आप बड़े इंसान को क्या दे सकती हूँ। हाँ, मैं आपके लिए संगीत गा सकती हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था, ताकि तुम जान लो कि मैं बिना लालच के तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। फिर किसान चिड़िया को अपनी बैलगाड़ी पर बिठा लेता है और जंगल की ओर चलता है। ऐसे मौसम में पक्षियों को अपने घरों में ही रहना चाहिए। मैं जब घर से निकली तो मौसम ठीक था, फिर अचानक बरसात शुरू हो गई और मैं तेज बारिश के कारण वहाँ गिर गई। वो सामने है मेरा घोंसला। चिड़िया के घोंसले के पास जाकर किसान चिड़िया को दोनों हाथों से आराम से उठाता है और उसे घोंसले में रख देता है। चोट एक दो दिन में ठीक हो जाएगी, अब मैं जाता हूँ। मैं आपकी ये नेकी हमेशा याद रखूंगी जो आपने बिना किसी लालच के की। हाँ, ये तो है, कोई लालच नहीं, मुझे कोई लालच नहीं था। किसान अपनी राह लेता है और चिड़िया वहाँ बैठकर अपने किसी दोस्त का इंतजार करने लगती है। कालू जी, चाय बन गई है, जाओ अब जल्दी से गरम गरम पकौड़े ले आओ, बारिश में चाय पकौड़ा खाने का तो अपना ही मजा है। जाता हूँ, मैं लाऊंगा कुछ पकौड़े और एक समोसा भी, साथ में जलेबी, जो मीठे में खाएंगे हम। कालू अपने घर से निकलता है, वो सीधा चील्दी के ढाबे पर जाता है। चील्दी, 20 के पकौड़े, समोसा और 10 की जलेबी डाल दें। कावे, रुको, थोड़ा इंतजार करना होगा, आज बारिश के कारण सारे पकौड़े ही जल्दी बिक गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद चील ढाबे वाली कौवे को उसकी मांगी हुई सारी चीजें ही दे देती है। कौवा बैग लेकर जा रहा था कि पेड़ की डाल पर अपने घोंसले में बैठी हुई चिड़िया कौवे को आवाज देती है। कौवे, कौवे भैया, सुनिए, मेरे पास आए। कौवा इधर उधर देखकर वहां जाता है और अपना समोसों पकौड़ों वाला बैग अपने पीछे छुपा लेता है। चिड़िया, क्या बात है? कौवे भैया, आज मैं इंसानों की बस्ती की तरफ चली गई थी, वहाँ मैं घायल हो गई, एक नेक दिल इंसान मुझे मेरे घोंसले तक छोड़ गया है। शुक्र करो वो इंसान नेक दिल था, वरना इंसान तो बंदूक से मार देते हैं। जैसे हम पक्षी एक जैसे नहीं होते, वैसे भी इंसान भी एक जैसे नहीं होते, कुछ इंसान अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। कालू भैया, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को ला दो। मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो पीछे क्या छुपाया हुआ है आपने? वो तो गोरी की दवा है, कल से तेज बुखार है गोरी को और साथ सर में दर्द भी। रुको, मैं गोरी को दवा देकर अभी आया। कालू जल्दी जल्दी से वहां से निकल जाता है। पाँव टूट गया है चिड़िया का, मैंने कहा मैं गोरी को दवा देकर उसे भोजन ला दूंगा। वो चिड़िया तुम्हारी राह देख रही होगी। चल कालू, मैंने चाय डाल दी है, जल्दी जल्दी से पकोड़े सीधे करो। चिड़िया वहां बैठकर इंतजार कर रही थी, मगर कोई भी चिड़िया की मदद को नहीं आता। अब भूख बहुत भर रही थी और वो भूख से निढाल हो रही थी। आपने उस चिड़िया की मदद भी की, मगर आधी। वो कैसे पत्नी जी? वो बेचारी घायल थी, वो खाएगी क्या, ये नहीं सोचा आपने? मैं तो भूल ही गया। मेरा छाता कहाँ है, मैं चिड़िया को रोटी दे आती हूँ। फिर किसान की पत्नी अपना छाता लेकर चिड़िया को रोटी देने चली जाती है। वो तेज बारिश में चलती हुई घने जंगल में पहुंच जाती है और चिड़िया के पास पहुंच जाती है। चिड़िया, भूजो तो, मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए? मैं नहीं जानती, अगर कोई खाने की चीज हो तो मेरी जान बच जाएगी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आई हूँ। रोटी देखकर चिड़िया की तो जान में जान आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे लिए ये सोचा। चिड़िया किसान की पत्नी से रोटी लेकर खा लेती है। मैं हमेशा ये एहसान याद रखूंगी। किसान की पत्नी चली जाती है। बारिश रुक जाती है, मौसम साफ हो जाता है।
और थोड़े दिनों बाद चिड़िया का पाँव भी ठीक हो जाता है। आज मैं ठीक हूँ, आज मैं किसान और उसकी पत्नी को मिलने जाऊंगी। चिड़िया ऐसा सोचकर जल्दी जल्दी से कुछ तिनके लगाकर अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी चलो, आज लाल मिर्ची तोड़नी है। जल्दी चलो, धूप बढ़ रही है। मुन्ना सो ही नहीं रहा, मैं कब से इसे सुला रही हूँ। इसे साथ ले आओ, बड़े पेड़ के नीचे ठंडी छांव होती है, मुन्ने को छांव में लिटाकर हम काम कर लेंगे। फिर किसान की पत्नी अपने मुन्ने को लेकर बैलगाड़ी पर बैठ जाती है। दोनों पति पत्नी मिर्ची के खेत में पहुंच जाते हैं। यहाँ यहाँ लेट जाए मेरा मुन्ना, मैं थोड़ा काम कर लूँ मेरे मुन्ने। किसान की पत्नी अपने मुन्ने को बड़े पेड़ के नीचे लिटाकर मिर्ची तोड़ने चली जाती है। उड़ती उड़ती चिड़िया भी उधर आ जाती है। अब चिड़िया मुकम्मल तौर पर स्वस्थ थी। वो पेड़ के ऊपर वाली डाल पर बैठकर मुन्ने के साथ खेलने लगती है। चिड़िया चू चू करती तो मुन्ना हंसने लगता। चिड़िया छुप जाती तो मुन्ना रोने लगता। चिड़िया सामने आती तो मुन्ना हंसने लगता। फिर अचानक चिड़िया का ध्यान झाड़ियों की तरफ जाता है। एक नाग मुन्ने की तरफ बढ़ रहा था। ये नाग मुन्ने को नुकसान भी पहुंचा सकता है, मुझे किसान और उसकी पत्नी को बताना होगा। चिड़िया शोर मचाती है। सांप सांप, वहाँ काला सांप है, मुन्ने को यहाँ से उठा लें। किसान की पत्नी दौड़कर वहाँ आती है और अपने मुन्ने को उठाकर सीने से लगा लेती है। भागो भागो यहाँ से। सुनिए जी, जल्दी आइए और सांप को भगाइए आकर। मैं आपको धन्यवाद बोलने आई थी माँ जी। चिड़िया, धन्यवाद तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। किसान भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, जब मैंने तुम्हारी मदद की तो सोच रहा था कि तुम छोटी चिड़िया मेरे किसी काम नहीं आ सकती हो, और मैं तुमसे मजाक कर रहा था, मगर आज विश्वास हो गया कि हमें कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमेशा दूसरों से भलाई करो। धन्यवाद चिड़िया, ये तुम्हारा एहसान है हम पर। चिड़िया बहुत खुश थी।